अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट 2010 इंस्टॉल किया है और बार बार एक एरर से परेशान है, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया एक एक्टिवेशन का एरर आ गया, तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेट करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि इसको एक्टिवेट करें, और जितनी बार आप फाइल ओपन करते हैं उतनी बार ये मैसेज आता है, और फिर क्लोज करते हैं आप और फिर उसको फिर उस पर वर्क कर पाते हैं, ये एरर देख सकते हैं। तो ये बार बार आता रहता है, तो मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे ये नोटिफिकेशन बंद किया जाए ताकि आप इस प्रॉब्लम से परेशान हो। ऊपर हेडिंग आप देख सकते हैं जो कि एक्टिवेशन के लिए बता रहा है कि आपको एक्टिवेट नहीं है ये आपका एमएस ऑफिस। तो मैं आपको यहाँ पर एमएस ऑफिस एक्टिवेट करने के लिए बताने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और आइए अब देखते हैं कि कैसे करना है। आपको दिस पीसी में जाना है। सबसे पहले देखिए, मैं अभी जी दिस पीसी में गया, फिर सी ड्राइव पे क्लिक करना है। इसमें प्रोग्राम फाइल्स है या प्रोग्राम फाइल्स x86 अगर है तो उसी पर क्लिक करना है, ये ध्यान रहे। उसके बाद आपको माइक कॉमन फाइल्स में जाना है। कॉमन फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड में जाना है। आप देखिए, मैं कॉमन फाइल्स में गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड में जाना है, उसके बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म में जाना है, उसके बाद उसमें एक फाइल है OSPP रियर एम, उस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे ही रन होगा आपका एक्टिवेशन हो गया एमएस ऑफिस का। अब आप देखिए, एमएस ऑफिस के फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं, वो आपको दिखाएगा, मैसेज हट जाएगा। अब देखिए कोई मैसेज नहीं है, एक्टिवेशन का हेडिंग जो था वो भी हट चुका है। तो आप देख सकते हैं आपका कितने सिंपल तरीके से हमने ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दिया। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको कम से कम वीडियो में हमने बताया है। इसी तरीके से आपको हमें कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और देखिए, एमएस वर्ड में भी एक्टिवेशन का एरर खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप जो बहुत दिनों से परेशान थे, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। तो आप सब्सक्राइब करें इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, और आप इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, देखिए सभी डॉक्यूमेंट, किसी में भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है, किसी में भी। एक एक करके हमने पूरा डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको दिखाया है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मैसेज